आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा गुजराती समाज के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बाद मुंबई के कांदीवली पुलिस स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ उत्तर मुंबई गुजराती विभाग के संयोजक अध्यक्ष धर्मेश जोशी ए भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई गुजराती विभाग के पदाधिकारी ए उत्तर मुंबई गुजराती समाज के लोगों ने कांदीवली पश्चिम के पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस बयान के विरोध में अपनी याचिका दी। तेजस्वी यादव के खिलाफ लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज करने की मांग की है। शिकायत के बाद गुजराती समाज ने बिहार के मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं गुजराती समाज कांदीवली पुलिस स्टेशन में पहुंचकर तेजस्वी यादव हाय हाय के नारे लगाए और तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच करने की मांग की। दरअसल एक सभा में तेजस्वी यादव ने गुजराती समाज को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने बताया कि गुजराती ठग होता है। इस मौके पर गुजराती समाज के नेताओं ने बताया कि आज राजनीति में राजनेता व्यक्तिगत विषय से उठकर अब समाज के ऊपर टीका टिप्पणी करने लगे हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। तो इस दौरान मीडिया से बातचीत में धर्मेश जोशी ने क्या कुछ कहा, देखिए यह खास रिपोर्ट। देखिए, आप मेरे हाथ में ये आवेदन पत्र देख सकते हो जी। माननीय श्री तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उनके खिलाफ ये अपना आवेदन पत्र दिया जाए। मैंने उसका आज विरोध किया। मैंने पूरे गुजराती समाज के प्रति से आज ये विरोध किया है। उन्होंने एक बयान दिया है 2 दिन पहले, जिसके अंदर उन्होंने ये बात बोली गई है कि भाई सारे गुजराती ठग है। ठीक है, आज सारे गुजराती, जैसे मैं गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, अन्य जितनी भी कम्युनिटीज है भारतवर्ष की, तो उसके अंदर मैं सभी का आदर सम्मान करता हूँ, क्योंकि संविधान में वो चीज़ लिखी गई है कि हर एक कम्युनिटी का आपको सम्मान करना है। अगर जो भी बात करनी है तो आप अलग तरह से करिए, उसको नॉर्मल वे में करिए, किसी के ऊपर पॉइंट आउट करने का आपको कोई भी हक नहीं है। और श्री तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है बिहार के, अगर वो ये अभद्र भाषा बोल सकते, गुजरातियों को टारगेट कर सकते कि वो ठग है, तो आज आप देखते हो कि गुजराती हर फील्ड में आगे। जैसे हमारे महात्मा गांधी बापू, जिसको बोलते हैं हम लोग प्यार से, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, आज उन लोग ने क्या किया देश के लिए, आज गुजराती समाज के लिए कितना आगेवान है, कितना आगे बढ़ रहा है, रोजगार बोलो, व्यवसाय बोलो, उद्योग बोलो, सब में गुजराती आगे है। तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में आपको इतना बड़ा शब्द बोलने का है, तो उसका मैं विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ, और ये मुझे दिल से ठेस पहुँची है। और मैं ये चाहता हूँ कि गुजराती कोई भी समाज के बारे में आप मत बोलो। आपकी गरिमा देखो, आप डिप्टी सीएम हो बिहार के, तो इस तरह से आपको शोभा नहीं देता। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। तो आज पुलिस प्रशासन को आवेदन किया है कि इसके ऊपर इसकी जांच पड़ताल हो, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, और जो भारत का संवेदन है उसके प्रति जो भी निर्णय होता है वो आप इसके लेके इसको अच्छा मार्गदर्शन करके इसको आगे करिए, ताकि आज गुजराती समुदाय के बारे में बोला है, कल दूसरी और के बारे में कोई हिम्मत करेगा। तो पुलिस प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है, हमारे दिनकर जाधव साहब यहाँ के सीनियर है कांदीवली पुलिस स्टेशन के, उन्होंने आश्वासन दिया है, आप मेरी कंप्लेंट लॉज की है, आवेदन पत्र उन्होंने रिसीव किया है, और आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर हम सब कार्रवाई करेंगे।